अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स, वेलकम अगैन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल मैंने आप लोगों को लेक्चर दिया था इंफोसिस के बारे में, ठीक है। और मेरा जो आज का टॉपिक है वो है ओडीमा, ठीक है। और मेरे रोज़ के टॉपिक्स मेडिकल के हवाले से होते हैं, जिनमें मैं आपको जो है वो तमाम डिजीज़ के बारे में, हर चीज़ के बारे में बताती हूँ। तो आज मैं आपको बताऊँगी ओडीमा के बारे में। बस उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। एंड जिन लोगों ने मेरे कल का जो है मिस कर दिया है, लेक्चर नहीं लिया, तो काइंडली मेरे चैनल राबिया हसन के नाम से वहाँ जाकर आप लोग मेरी कल की वीडियो को देख सकते हैं। और आज मैं आपको डिफाइन करने वाली ओडीमा, तो यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप ऑफ डेफिनेशंस शो हो रही है ओडीमा की, लेकिन मैं आपको छोटा सा डिफाइन कर देती हूँ कि बेसिकली ओडीमा होता क्या है। ओडीमा इज़ स्वेलिंग कॉज बाई टू मच फ्लूइड ट्रैप्ड इन द बॉडी टिश्यूज। ओडीमा कैन अफेक्ट एनी पार्ट ऑफ द बॉडी बट इट्स मोर लाइकली टू शो अप इन लेग्स। है कि ओडीमा एक सिंपल सी स्वेलिंग होती है जो कि हमारी बॉडी में या टिश्यूज में फ्लूइड जमा होने की वजह से हो जाती है, और ये हमारी बॉडी के किसी भी हिस्से में हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर देखा जाता है, जैसे कि आप अपने पिक्चर्स में भी देख रहे होंगे, कि ज़्यादातर जो है वो ये लेग्स में या फीट में जो है पाया जाता है। चलिए हम बात कर लेते हैं इसके कॉजेज़ के बारे में कि ओडीमा के कॉजेज़ जो है वो क्या होते हैं। ओडीमा के कॉजेज़ जो है मेडिकल कंडीशन में देखा जाता है कि हार्ट फेलियर होते हैं, लंग्स, लिवर, किडनी का फेलियर हो जाना, या फिर जो है थायराइड डिजीज़ का हो जाना ओडीमा के सिम्टम्स शो करती हैं। उसके अलावा जो है मेडिकली देखा जाए तो कोई ड्रग्स अगर हम यूज़ कर लें, ब्लड प्रेशर हो या फिर पेन वगैरह हो उस मेडिसिन की यूज़ करने से, तो उससे भी हो जाता है ओडीमा। उसके अलावा यहाँ पर डिफरेंट टाइप से जो है वो डिस्क्राइब किए गए हैं कॉजेज, ये यहाँ से भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। और पिक्चर्स मेंशन हो रही हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि सभी ओडीमा जो है वो किन किन टाइप्स के ओडीमा इंसान की बॉडी में क्रिएट हो जाते हैं। और अगर ओडीमा को टाइम से ट्रीट ना किया जाए तो ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन तैयार कर लेता है, जिसमें इंक्रीजिंग पेनफुल इंक्रीजिंग हो जाती है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, स्वेलिंग हो जाती है, स्टफनेस और वॉक करने में बहुत तकलीफ होती है। उसके अलावा इची स्किन हो जाती है, अल्सर भी हो सकता है और डिक्रीज ब्लड सर्कुलेशन भी हो सकती है। इनके तमाम कंडीशन होती हैं जो कि हो जाती हैं अगर टाइम पर ट्रीट ना किया जाए ओडीमा को। तो पिक्चर्स में भी आप लोग देख सकते हैं कितने ज़्यादा जो है वो ख़राब कंडीशन हो जाती है अगर इसे टाइम से ना ट्रीट किया जाए। तो इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं कि ओडीमा का ट्रीटमेंट क्या होता है। ओडीमा का ट्रीटमेंट जो है मैं आपको होम्योपैथिक डॉक्टर्स बता देती हूँ, यहाँ पर मेंशन भी हो रहे हैं डिफरेंट टाइप्स कंपनी के डिफरेंस होते हैं, यहाँ पर नेम भी मेंशन हो रहे हैं, इसको आप देख सकते हैं ये हम अप्लाई करते हैं ओडीमा की कंडीशन में। अगर बहुत ज़्यादा पुराना ओडीमा है किसी को, तो 30 प्रेगनेंसी में जो है वो एटॉप्सी जाते हैं, और अगर किसी को रिसेंटली हुआ है 2-4 दिन जल्दी इसके जो है सिम्टम्स शो किसी को हो जाते हैं, तो उसमें फिर हम 200 की प्रेगनेंसी में तमाम ड्रॉप्स देते हैं। इसमें कंडीशंस लिखी हुई किस कंडीशन में आपको कौन सा ड्रॉप जो है वो यूज़ करवाना हो। ओके, यहाँ पर आज की हमारी वीडियो होती है ख़त्म। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा लेक्चर तो अगेन कहती हूँ मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और मुझे फॉलो कीजिएगा, और उसके अलावा जो है वो लाइक कर दीजिएगा और मेरी वीडियो लाजमी वॉच कीजिएगा और जितना हो सके इसे शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।